तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने बीआरएस का क्याम अमल में लाते हुए तेलंगाना के जज्बे को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की तश्कील के बाद ही तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी फिर से एक्टिव हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि बीआरएस आंध्र प्रदेश में कोई अपना असर नहीं छोड़ पाएगी, जबकि तेलंगाना में टीडीपी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। जो बंडी के ऊपर फूल बेचने वाले, बंडी के ऊपर जो फ्रूट्स बेचने वाले, थोड़ा कार लोन लेके जीने वालों के लिए गवर्नमेंट अलाटमेंट फंड्स कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट करते वो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से मैं जब कंबाइंड स्टेट में था 10 साल भी वो जमाने में, तो जब वो टाइम पे 2000-3000 ऐसा गवर्नमेंट फंड्स अलाट करते थे, मगर ये तेलंगाना स्टेट डिवाइड होने के बाद माइनॉरिटी कॉरपोरेशन को फंड्स अलाटमेंट बंद हो गया। रिसेंटली केसीआर साहब 120 करोड़ क्या कि माइनॉरिटी कॉरपोरेशन अलाटमेंट किए हैं, मगर उसमें 12,000 लोगों की वो फायदा होगा। मगर यहाँ 17 लाख का डिमांड है यहाँ, तो माइनॉरिटीज में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का गवर्नमेंट पैसों से लेके खुद वो लोगों का जीने के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से लोन्स देते हैं वो 17 लाख का डिमांड है, मगर गवर्नमेंट खाली 12,000 के लिए फंड 120 करोड़ अलॉटमेंट किए हैं। मैं हमारे संगारेड्डी के समझो या स्टेट में तेलंगाना स्टेट में समझो माइनॉरिटीज के लिए जो 120 करोड़ का से कुछ होने का नहीं है। मैं ये सीएम से मैं लेटर लिखा था, सीएम साहब ये 1500 करोड़ अलॉटमेंट कीजिए, अगर आप 1500 करोड़ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को